अस्सलाम वालेकुम, बहरे टाउन कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपडेट करूँगा बहरे टाउन कराची 2 के बारे में और बताऊँगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है और अपनी बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, और वो लोग जो बहरे टाउन को विज़िट करते हैं और बहरे टाउन के ही होके रह जाते हैं उनके बारे में आपको अपडेट करूँगा। और बहरिया टाउन कराची 2 की डेवलपमेंट के स्टेटस, इसके सराउंडिंग वाला जो एरिया है वहाँ पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है आने वाले फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा। और इसके अलावा एक बहरिया की तरफ से एक नोटिस दिया गया है जो कि एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है, और वो कस्टमर जिन्होंने बुकिंग करवा ली बहरिया टाउन के अंदर उनके लिए वो नोटिस है, और जो लोग करवाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। न्यू आने वाले कस्टमर से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की अपडेट्स जो है वो आप तक पहुँच सकें। व्यूवर्स, सबसे पहले अगर आपको बताता चलूँ, जो लोग अमेरिका, दुबई, सऊदी अरेबिया या बाहर वाली कंट्री में रहते हैं और जब पाकिस्तान आते हैं तो वो बहरिया टाउन के ही होकर रह जाते हैं। क्यों? उनको सारी फैसिलिटीज़ बहरिया टाउन कराची जो है वो देता है, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट देती है, और वो डेवलपमेंट जिस तरह बाहर वाली कंट्री में डेवलपमेंट हुई हुई है इसी तरह ही बहरिया टाउन के अंदर वो सेम सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो कस्टमर जब बहरिया टाउन विज़िट करते हैं अपनी फैमिली के साथ तो वो कहते हैं कि हमें महसूस नहीं होता कि हम बाहर किसी यूरोप कंट्री में फिर रहे हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर फिर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसी अच्छी डेवलपमेंट मलिक रियाज साहब ने की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जब देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है, और यकीनन आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं क्योंकि बहरिया ने स्ट्रक्चर जो लेके आया है वो बाहर का स्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेके आया, और ये सारी चीज़ें आपको इधर बहरिया टाउन में देखने को मिलती हैं। अब देख लें आप बाकी सोसाइटीज़ जैसे DHA हो गया, सरकारी सोसाइटी या प्राइवेट कोई भी सोसाइटी है, वो इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह की डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकता जिस तरह बहरिया टाउन डेवलप करता है। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि कैसे बहरिया टाउन ने मेंटेन रखा हुआ है, सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। दूसरी ये चीज़ कि आप अगर बहरिया टाउन कराची 2 के अंदर बुकिंग करना चाहते हैं तो 125 गज़, 250 गज़, 500 और 1000 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट बहरिया टाउन ने लॉन्च किए थे, जो कि 5 तारीख को लॉन्च किए थे, 5 जनवरी को, और अभी भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें 125 गज़ के और 250 गज़ के कमर्शियल प्लॉट और बहरिया होम 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 125 गज़ के बहरिया होम की डील दी थी, जिसमें आप 10% जो है वो डाउन पेमेंट पे करेंगे बाकी 4 साल के आसानी के साथ पर। वो कस्टमर जो बहरिया टाउन की डील का इंतज़ार कर रहे थे कि बहरिया टाउन डील लॉन्च करे 4 साल के आसानी के साथ पर और हम वहाँ पर अपनी जो है वो बुकिंग करवा सकें, तो बहरिया टाउन ने न्यू डील लॉन्च कर दी। अभी काफ़ी सारे लोगों ने बुकिंग करवा ली अल्हम्दुलिल्लाह। और BTK1 के अंदर अगर बात की जाए तो BTK1 2014 में जब लॉन्च किया था तो 4 साल का प्लान था बहरिया के ऊपर, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है, उसके बावजूद लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया, फैक्ट्रीज भी हुए लोग, लेकिन बहरिया उनको भी कंपनसेट कर देगा इंशाल्लाह। 6 माह का टाइम लिया बहरिया टाउन ने, 6 माह के अंदर उन लोगों को भी प्लॉट अलॉट कर दिए जाएंगे या कहीं ना कहीं पे बहरिया एडजस्ट करेगा। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह 6 माह के अंदर जून तक आपको देखने को मिलेंगी, तो फैक्ट्रीज़ को भी प्लॉट वगैरह कुछ न कुछ बहरिया कहीं ना कहीं पर उनके लिए भी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बिग न्यूज़ आएगी। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ, ये सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी से भी अप्रूव्ड है बहरिया टाउन 2, और 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी अप्रूव है। 40% की यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो चुका है स्ट्रीट टूर में, आप देख रहे हैं ये स्ट्रीट टूर में काफ़ी सारी डेवलपमेंट बहरिया ने तकरीबन 40% डेवलप कर दी है। और यहाँ पर तुर्की में आया सोफिया एक मस्जिद है, उसका स्ट्रक्चर लेने लेके आ रहा है बहरिया टाउन BTK2 के अंदर। बुलेट ट्रेन भी चलेगी, आया सोफिया तर्ज की मस्जिद भी आपको देखने को मिलेगी, ग्रैंड जामा मस्जिद होगी जैसे BTK1 के अंदर जामा मस्जिद बन रही है। इसके अलावा आपको बुलेट ट्रेन चलती नज़र आएगी, और सबसे बड़ी न्यूज़ जो सुनने में आ रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का कराची का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो BTK2 के अपोजिट कहीं बनने जा रहा है, उसकी ज़मीन परचेज कर ली गई है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे वहाँ पे आपको एयरपोर्ट की भी न्यूज़ वहाँ पे मिलेगी और डेवलपमेंट होती नज़र आएगी। और सब के आखिर में मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था, 20 तारीख को बहरिया टाउन ने एक नोटिस दिया है, वो लोग जिन्होंने बुकिंग करवा ली BTK2 के अंदर उनके लिए एक ज़बरदस्त बिग न्यूज़ है। बहरिया टाउन कराची 2 की कामयाब बुकिंग 20 जनवरी को मुकम्मल हो चुकी है
और अभी कुरा अंदाजी होना बाकी है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि कुरा अंदाजी में शामिल होने के लिए अपने फॉर्म 15 फरवरी तक 2023 तक बहरिया टाउन के ऑफिस में जमा करवा दें। बहरिया टाउन ने यह नोटिस दिया है, अगर आपने कोई अपनी बुकिंग करवा ली है या करवाना चाह रहे हैं तो 15 तारीख से पहले पहले आप अपनी बुकिंग करवा के अपना फॉर्म जमा करवा दें, आपको प्लॉट नंबर अलाट कर दिया जाएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं।